Hello everyone, this is Prince and welcome to our channel Ganitya. So this is our second video on topic prepositional calculus. Last video में हमने बात की what is disjunction, conjunction, negation और इनके लिए two tables देखे. जिन्होंने ये video नहीं देखा पहले इस video को देख लेना क्योंकि उसके बाद ही ये video काम में आएगी और इस video का link मैं description में दे दूँगा. Now today, in this video, we will discuss what is conditional statement, what is biconditional statement, their converse, inverse and contrapositive. तो चलिए start करते हैं. On the very first, we have is implications, जिसे हम implies या double implies भी कहते हैं. So द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू दैट इज पी इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट. नाउ पी इम्प्लाइज क्यू वही जब हम छोटे होते पढ़ते थे दिस इम्प्लाइज दिस दिस इम्प्लाइज दिस मैथ्स में हम ये यूज करते हैं है ना. एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ क्यू दैट इज पी डबल इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड बाई कंडीशनल स्टेटमेंट. अब ये भी पुराने वाला ए इफ एंड ओनली इफ पी हम इसे कैसे प्रूफ करते थे. ए को ट्रू मान के चलते थे बी को प्रूफ करते थे देन बी को ट्रू मान के चलते थे ए को प्रूफ करते थे वही सब है ये. फॉर एग्जांपल जैसे यहां पर देखो इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10 देन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5. अब यहां पर दो स्टेटमेंट्स हैं अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10 ये हो गया हमारा पी इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5 ये हो गया हमारा Q. अब यहां पर देखो इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10 मान लो हमारे पास नंबर है 50 ये 10 का मल्टीपल है देन इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5 50 5 का भी मल्टीपल है मतलब यहां पर P इंप्लाइज Q बात सच हो रही है. नाउ क्या यहां पर Q इंप्लाइज P हो रहा है. नाउ सी अगर कोई नंबर 5 का मल्टीपल है तो क्या वो 10 का भी मल्टीपल होगा. नहीं ऐसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 25 ले लो दिस इज मल्टीपल ऑफ 5 बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10 मतलब यहां पर P इंप्लाइज Q तो हो रहा है पर Q इंप्लाइज P नहीं हो रहा. बट जब हम बाई कंडीशनल पढ़ेंगे तो यहां पर दोनों चीजें होंगी P इंप्लाइज Q भी एंड Q इंप्लाइज P भी. वो देखो कैसे टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव एंगल ऑफ 90 डिग्री तो यहां पर भी दो स्टेटमेंट्स हैं पी ये होगी एंड क्यू ये वाली. नाउ पी टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन्स ऐसी होती हैं इफ एंड ओनली इफ दे हैव एंगल ऑफ 90 डिग्री. नाउ वी पता है अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो एंगल उनमें 90 डिग्री होगा. सिमिलरली अगर दो लाइंस के बीच एंगल 90 डिग्री है एंगल 90 डिग्री ऐसे ही होगा और तो कुछ है नहीं देन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर ये भी बिल्कुल सही बात है. अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर ही तो होगी. तो दोनों में फर्क समझ आया. ये है हमारे पास पी इंप्लाइज क्यू वाली फॉर्म और ये है हमारे पास पी डबल इंप्लाइज क्यू वाली मतलब यहां पर P implies Q and Q implies P ये दोनों बातें सच होगी ये कहें या ये कहें दोनों सेम बात है. नाउ इनके लिए ट्रूथ टेबल्स देखते हैं. सो द वेरी फर्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट इसके लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं. लेट्स से हमारे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q और हमने ट्रूथ टेबल बनाना है P implies Q का. नाउ इनपुट देखो दो स्टेटमेंट्स तो चार चॉइसेस विच इज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड देन ट्रू फॉल्स इसके लिए भी ट्रू फॉल्स ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कि इनपुट कैसे डालनी है. नाउ पी इंप्लाइज क्यू जब इसके लिए टेबल बनाना है तो हमने क्या देखना है जो क्यू में आंसर आ रहा है ना वही सेम डेटो यहां पर लिख दो दैट इज यहां पर ट्रू आ रहा है तो यहां भी ट्रू यहां फॉल्स तो यहां भी फॉल्स यहां ट्रू तो यहां भी ट्रू एक्सेप्ट ओनली अ केस जब दोनों जगह फॉल्स आ जाए तब इसका आंसर होगा ट्रू
समझ में आया? P implies Q, मतलब Q वाली वैल्यूज लिखो एक्सेप्ट जब दोनों जगह फॉल्स हो जाए उसे लिख दो ट्रू. दैट आउटपुट इज सेम एज सेकेंड स्टेटमेंट एक्सेप्शन फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स इज ट्रू लाइक आवर नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव. तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं. सिमिलरली अगर यहाँ पर Q implies P लिखना हो तो उसके लिए टेबल देखो. Q implies P में दूसरे वाली स्टेटमेंट ये, मतलब जो P के आंसर वही यहाँ पर आएंगे एक्सेप्ट जब दोनों फॉल्स होंगे तब ट्रू होगा. तो दोनों फॉल्स इस केस में आंसर ट्रू, उसके अलावा सबके आंसर आएंगे P वाले. सो दिस इज टेबल फॉर Q implies P. नाउ नेक्स्ट वन इज बाईकंडीशनल स्टेटमेंट. फिर से दो स्टेटमेंट्स हैं, टेबल बनाना है P double implies Q के लिए. नाउ इसमें देखो डबल एरो है, डबल एरो से ही ध्यान रखना. जब दोनों तरफ सेम बात हो तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो दोनों तरफ सेम चीज़ है तो आंसर ट्रू, यहाँ पर भी दोनों तरफ सेम चीज़ है तो आंसर ट्रू, अदरवाइज अगर अलग अलग हैं तो आंसर आएगा फॉल्स. सो सिंपल एज दैट. सो when both inputs are same then true, that is chahe true implies true ho chahe false and false output kya aayegi true aayegi, otherwise kya aayega false. and abhi humne dekha tha p double implies q, iska matlab hota hai p implies q and q implies p. so by chance agar hum ye table bhul bhi gaye to ise hum aise dekh sakte hain. जैसे यहाँ पर P implies Q, Q implies P दोनों टेबल हैं और हमने टेबल ड्रॉ करना है P implies Q एंड Q implies P का. नाउ याद करो ये सैड वाली स्माइली ये कब ट्रू होती थी, जब दोनों जगह पॉजिटिविटी मिले. तो यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों जगह ट्रू तो ट्रू, यहाँ पर भी दोनों जगह ट्रू देन ट्रू, अदरवाइज एक भी जगह फॉल्स मिले तो आंसर फॉल्स आता था. सो दिस टेबल एंड दिस टेबल दिस बोथ आर सेम, तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं. अदरवाइज आपसे पेपर में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट P implies Q इज इक्वलेंट टू दिस वन, तो हम इस टेबल से भी इसे प्रूव कर सकते हैं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव. इफ P implies Q इज अ गिवन स्टेटमेंट देन उसके लिए हमने कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है. नाउ कन्वर्स हम छोटे होते पढ़ते थे, प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. हाँ वही है ये, दैट इज अगर P implies Q हमारे पास स्टेटमेंट है देन उसका कन्वर्स होगा सिंपली उसका उल्टा, Q implies P. इनवर्स के लिए क्या करो, सेम एज इट इज लिख दो P implies Q और दोनों तरफ नेगेशन लगा दो. इसे याद कैसे रखेंगे, इनवर्स इन मतलब अपने आप में ही नेगेट कर दो. ठीक, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव. अब इसमें क्या होगा, इन दोनों का यूज कर लो. दैट इज अगर P implies Q कोई स्टेटमेंट है देन उसका पहले करो कन्वर्स देन उसका इनवर्स, दैट इज दोनों तरफ नेगेशन लगा दो. तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं, कन्वर्स इज Q implies P, इनवर्स दोनों तरफ नेगेशन लगा दो, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स और इनवर्स दोनों को मिला के बनेगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इफ यू स्टडी हार्ड देन प्रिंस सर विल बी हैप्पी. तो ये तो सही है ना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, है ना. नाउ इसके लिए हमने इसका कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखना है. तो सबसे पहले देखो हमने इसमें P एंड Q फाइंड करने हैं. P क्या होगा हमारा, यू स्टडी हार्ड एंड Q होगा प्रिंस सर विल बी हैप्पी. नाउ टू राइट इट्स कन्वर्स, कन्वर्स के लिए हम देखेंगे Q implies P, जस्ट इसका उल्टा. दैट इज इफ, ये याद रखना स्टार्ट हमने इफ से ही करना है. क्लियर? इफ प्रिंस सर
is happy, then P, you must be studying hard. This is its converse. English पर मत जाना, English को हम अपनी language में पिरो सकते हैं, बस meaning बनना चाहिए. Clear? Now, inverse लिखना है. Inverse के लिए क्या करते हैं? Negation P implies negation Q. मतलब दोनों तरफ नोट लगाना है. That is, if you do not study hard, then Prince Sir will not be happy. ठीक, तो ये हो गया इसका इनवर्स. Now finally, हमने लिखना है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने दोनों काम करने हैं. That is, negation Q implies negation P. So, Q का negation, which is, if Prince Sir is not happy, then P का negation, which is, you must not be studying hard. तो यहां पर हमने पहले Q लिखा, उसका negation करके, एंड देन P लिखा, उसको भी negate कर दिया. So this is contra positive of this statement. Next, we have three questions here. एक बार video को pause करके अपने आप try करना. So the very first is the contra positive of the statement, if two triangles are identical, then they are similar, is. अब इसका contra positive लिखना है. We know that contra positive के लिए सबसे पहले P और Q define करो. So here P is, two triangles are identical, and Q is, they are similar. Now what is contra positive? Contra positive is negation Q implies negation P. Now Q का negation क्या होगा? They are not similar. ऐसा थोड़ी होगा. English को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं. यहां they refer करेगा two triangles को. So two triangles are not similar, then, sorry, start if से करना है, याद रखना, मैं भी भूल गया. If two triangles are not similar, then इसका negation, they are not identical. So if two triangles are not similar, then they are not identical. Option C is correct. Now अगर option A और B को भी देखें, in A, if two triangles are not identical, मतलब इसका negation, then they are not similar, मतलब Q का भी negation. So this is simply our inverse. Option B को देखें, if two triangles are similar, that is Q, then they are identical, which is P. So this is our simply converse. So मेरे ख्याल से ये तीनों बातें clear होगी. Now इन दोनों की बात करते हैं जो हमारे पिछले वीडियो से related है. That is, for any two statements P and Q, P and Q is true if. Now we know that ये कौन सी smiley थी? Sad वाली. ये तभी पॉजिटिव होती थी जब दोनों तरफ से इसे पॉजिटिविटी मिले, मतलब जब दोनों ट्रू, तभी ये ट्रू होता था. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट वन इज, पी और क्यू इज फॉल्स इफ. नाउ इस स्माइली को याद करो, खुशी वाली. ये कहता, अगर मेरे पास एक भी पॉजिटिविटी मिल जाए तो मेरा आंसर ट्रू होगा, मतलब एक भी ट्रू हो दोनों में से तो आंसर ट्रू आता था. फॉल्स कब होगा? जब दोनों के दोनों फॉल्स हों. सो पी और क्यू इज फॉल्स इफ एंड ऑनली इफ दोनों के दोनों फॉल्स हों. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ फाइनली क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं. प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी. नॉट टोटोलॉजी मीन्स जब लास्ट कॉलम में सारे के सारे ट्रू आ जाए. सो हेयर वी हैव टू स्टेटमेंट्स पी क्यू. सो वी हैव टू रेस्ट बाय टू
फोर चॉइसेस, फोर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज दो ट्रू दो फॉल्स. अब इन दो को भी आगे दो पार्ट्स में, दैट इज ट्रू फॉल्स, सिमिलरली इनको ट्रू फॉल्स. तो इनपुट हो गई हमारी. नेक्स्ट स्टेटमेंट में नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू इन्वॉल्व है, तो उन्हें लिख लो. नेगेशन पी मतलब जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स लिख दो, और जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू. सिमिलरली नेगेशन क्यू होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. नेक्स्ट मेन बात, पी इम्प्लाइज क्यू. नाउ हमने इम्प्लाइज सीखा, पी इम्प्लाइज मतलब क्यू मतलब सारी की सारी एंट्रीज क्यू वाली एक्सेप्ट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. दैट इज जब फॉल्स फॉल्स हो तब आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज सारी एंट्रीज क्यू वाली. सिमिलरली अगर नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी लिखने हैं, दैट इज दिस इम्प्लाइज दिस, तो सारी एंट्रीज आएंगी पी वाली एक्सेप्ट फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाकी सारी पी वाली फॉल्स ट्रू ट्रू. क्लियर हो रहा है ना, दोनों जगह फॉल्स था तो आंसर ट्रू, बाकी सारी एंट्रीज पी नेगेशन पी वाली. नाउ फाइनली इन दोनों का हमने करना है डबल इम्प्लीकेशन. नाउ डबल इम्प्लीकेशन हमने पढ़ा था, जब दोनों तरफ डबल इम्प्लाइज का साइन हो तो ये ट्रू कब होता है, जब दोनों जगह सेम सेम बात हो. दैट इज दोनों तरफ अगर ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों के दोनों अगर फॉल्स हो तो भी आंसर ट्रू आएगा. सो हेयर वी हैव ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, मतलब दोनों के दोनों एंट्रीज सेम आ रही हैं. तो डबल इम्प्लाइज सेज ऑल विल बी ट्रू. सो सारी की सारी लास्ट कॉलम में एंट्री ट्रू आ गई, सो इट इज अ टॉटोलॉजी. क्लियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज फाइंड दिस डबल इम्प्लाइज दिस. नो सी हेयर, यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स हैं पी यू आर, तो टोटल टू रेज टू पावर थ्री एट चॉइसिस. अब एट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, दैट इज चार ट्रू चार फॉल्स. नाउ इन चार ट्रू को दो पार्ट्स में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सिमिलरली फॉल्स को भी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स. नाउ इन दो को ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स इनपुट दे दिया. नाउ मेन बात, हमने यहाँ पर पी और क्यू और आर तीनों के तीनों इकट्ठे फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर दो मेथड्स हैं. एक तो पहले पी और क्यू फाइंड करो, फिर जो आंसर आएगा उसके बाद पी और क्यू और साथ में आर ये फाइंड करो, मतलब दो कॉलम्स बनाओ. बट हम ऐसे थोड़ा करेंगे, हमें तो ट्रिक आती है. हमें पता है इस स्माइली का सिंबल, खुशी वाला सिंबल, ये कहता है अगर मुझे एक भी जगह ट्रू मिल जाए तो मैं आंसर ट्रू दूंगा. इसी की दूसरी साइड सोचो, ये फॉल्स कब होगा, जब सारे के सारे फॉल्स हो जाएं, है ना. सो सी हियर, अगर हम इन कॉलम्स को ऑब्जर्व करें तो सारी की सारी एंट्री फॉल्स सिर्फ यहीं पर है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. और बाकी सभी जगह हमें एक बार ट्रू जरूर मिलेगा, दैट इज़ इसे देखें तो यहाँ ट्रू मिल गया, इसे देखें यहाँ ट्रू, इसे देखें तो भी ट्रू है, मतलब हर किसी में एक बार तो ट्रू आ रहा है, तो इन सब का आंसर आएगा ट्रू. फाइन, नाउ नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पी इम्प्लाइज क्यू. नाउ पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का आंसर आएगा सारे के सारे क्यू, एक्सेप्ट जब दोनों जगह फॉल्स फॉल्स हो, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो यहाँ पर ट्रू आएगा और यहाँ पर ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू, एंड बाकी सारी जगह क्यू वाली एंट्रीज. फाइन, नाउ फाइनली इन दोनों का करना है हमने डबल इम्प्लाइज, इसे मान लो ए इसे मान लो बी. सो ए डबल इम्प्लाइज बी, मतलब इन दोनों के लिए डबल इम्प्लाई फाइंड करना है. नाउ डबल इम्प्लाई वो ट्रू कब आता है, जब दोनों जगह सेम एंट्रीज हों. नाउ शेयर सी कहाँ कहाँ यहाँ पर सेम एंट्रीज आ रही हैं, एक यहाँ यहाँ पर भी
एंड यहाँ पर भी, और बाकी सभी जगह अलग अलग एंट्रीज आ रही हैं, तो उनके आंसर आएंगे फोल्स. सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट. क्लियर? फाइनली अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना. सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम आर्गुमेंट्स और क्वांटिफायर्स पर डिस्कशन करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.